अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सो चलिए, रमज़ान आने वाली है, कुछ नया नया रेसिपी का तैयारी करते हैं। सो हम रेसिपी में बना रहे हैं हरा प्याज का पकौड़ा। सो देखिए, ये ढेर सारा हरा प्याज, हरा धनिया, इसी से हम बनाएंगे पकौड़ा। सो बेसन हम ले लिए हैं 200 ग्राम, और बाकी हरा प्याज है वो ढेर सारा है, और ढेर सारा हरा धनिया है। तो ये हरा प्याज का मैं पत्ती तोड़ के इसे कट कर ली हूँ बारीक बारीक। पहले धो लेना है अच्छे से, उसके बाद कट करना है। सो हम अच्छे से कट करके मैं इसमें पूरा डाल दी। उसके बाद ये हरा धनिया ढेर सारा, ये भी मैं कट करके डाल दी। मुट्ठी से देखिएगा तो 4-5 मुट्ठी हो जाएगा। और ये है हरा प्याज का जो प्याज है, वो नीचे का जो प्याज होता है ना, वो है वाइट वाली प्याज। और ये रेड वाली प्याज जो नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, वो छोटी वाली को हम चॉप कर लिए हैं, और वो वाइट वाली प्याज को भी चॉप कर लिए हैं। ये सूखा मसाला, ये है मेरे पास अजवाइन, जो हाथ से क्रश कर लिए हैं। ये हींग 2 चुटकी, जीरा कुटा हुआ, नमक 1 चम्मच भर के, आधा चम्मच हल्दी। सूखा मसाला में इतना ही जाएगा, बाकी अब हम कुछ नहीं डालेंगे। और इसे अच्छे से हाथों की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि प्याज है, प्याज पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम अच्छे से हाथों से पहले इसे मिक्स करेंगे। और ये जो पकौड़ा बना रहे हैं, इसमें बहुत कम पानी लगता है। मैं अपने हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, आटा लगा लूँगी इस तरह से। तो देख सकते हैं, ज़्यादा गीला नहीं है, ना ही ज़्यादा सूखा है, परफेक्ट सा मिक्सर तैयार है पकौड़ा के लिए। चलिए हम सबसे पहले हाथ को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद फ्री होके पकौड़ा तलते हैं। सो देखिए, हम एक साइड में गैस पे तेल रख चुके हैं, तेल गर्म हो चुका है। तेल को मीडियम फ्लेम पे ही गर्म कीजिएगा, और एक एक करके तेल में डालते जाना है पकौड़ा को। जब तक हम कर रहे हैं पकौड़ा का फ्राई, आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, और अच्छा लगा हो ये रेसिपी तो लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, एक एक करके हम पकौड़ा डाल दिए हैं, और जो पहले ही डाले हैं वो पहले ही फ्राई हो चुका है। ये पूरा फ्राई नहीं हुआ है, अंदर से नहीं पका है, हम इसे दूसरी बार भी फ्राई करेंगे। फिर ये प्याज का पकौड़ा का जो कुरमुरा सा फ्लेवर आएगा अपने मुंह में, वो बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो इसलिए मैं दोबारा से फ्राई करूँगी। और जलने नहीं देना है, जल जाएगा तो प्याज का जो पत्ती है ना, ग्रीन वाला, वो आपका ख़राब हो जाएगा, जलने के बाद स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मैं इसे पहले हल्का फ्राई की, उसके बाद थोड़ा सा और फ्राई करूँगी दोबारा से, ताकि इसका जो जितना भी तेल वगैरह है अच्छे से पी ले, उसके बाद मैं इसे दोबारा फ्राई करूँगी तो कुरमुरा सा हो जाएगा। मैंने आप सब लोगों को दूसरी बार फ्राई करते हुए पकौड़ा को नहीं दिखा पाई थी, उसके लिए सॉरी। आप लोग ज़रूर से कीजिएगा फ्राई दूसरी बार में भी। रमज़ान स्पेशल मैं अभी ढेर सारा आप लोग के साथ शेयर करूंगी रेसिपी रमज़ान के लिए खास करके। सो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल का नाम है रूही ऑलराउंडर, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी न्यू रेसिपी और बहुत जल्दी से जल्दी रेसिपी देखने को मिले और बनाने का वक्त मिल पाए। रमज़ान है, रमज़ान में वक्त नहीं मिलता है, इसलिए मैं सोची रमज़ान स्पेशल बिल्कुल छोटा छोटा सा रेसिपी मैं बनाऊँगी, और छोटा छोटा सा वॉच टाइम भी दूँगी, और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, प्लीज़ से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ढेर सारा पकौड़ा बनके है तैयार, हम चले इसका एंजॉय करने के लिए। अभी रोज़ा नहीं है, अभी हम खा सकते हैं। सो चलिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।